तो चाइना में आपका लॉन्च कर दिया गया है ऑनर की तरफ से एक और स्मार्टफोन ऑनर 20i। तो आगे जा वीडियो का एंड तक देते रहना कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। इसका रिक्वेस्ट बस यहाँ पर एक छोटी सी लाइक जरूर कर देना, इससे मिलना भूले। आपका लाइक करने से वीडियो बनाने की मेहनत सफल हो जाएगी। तो खैर अपने मुद्दे पर निकल कर आ जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल ओवरव्यू की। यहाँ पर आपको स्क्रीन साइज देखने को मिलता है 6.21 इंचेस का, फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन है। ड्यूरोप नॉच यहाँ पर देखने को मिल जाती है, नया डिज़ाइन, जिसकी वजह से आपका स्क्रीन टू बॉडी रेशियो भी बेहतरीन देखने को मिलता है। बात कर जाए फोन के मोटाई की, तो आपका 8 mm देखने को मिलती है। वजन की बात करते हैं 164 grams देखने को मिलता है। 3D ग्लास बॉडी यहाँ पर देखने को मिल जाती है। ग्रेडियंट ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं कलर के, यानी कुल मिलाकर आपका लुक्स के मामले में बेहतरीन देखने को मिलता है। यहाँ पर बात कर लीजिए कैमरा डिपार्टमेंट की, तो आपका इस बार खासा जोर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर बात कर लीजिए फ्रंट कैमरा की, तो आपको 32 MP का देखने को मिलता है। अपर्चर की बात करते हैं f2.0 का है। ब्यूटिफिकेशन वगैरह भी देखने को मिल जाता है, और आपको 4x1 pixel बिन टेक्नोलॉजी भी देखने को मिल जाती है, यानी आपको क्लैरिटी भी यहाँ पर बेहतरीन देखने को मिल जाएगी। वैसे यहाँ पर आपको याद दिलाना चाहूँगा कि Redmi Y3 भी आपका आने वाला है इंडिया के अंदर 24 तारीख को 32 MP की सेल्फी के साथ। खैर यहाँ पर बात कर जाए रियर कैमराज की, तो ट्रिपल कैमराज देखने को मिलते हैं। पहला आपका 24 MP का f1.8 अपर्चर के साथ, जो कि ऑब्वियसली आपका प्राइमरी कैमरा है। सेकेंडरी कैमरा की यहाँ पर बात कर लीजिए तो 8 MP का f2.4 अपर्चर के साथ, जो आपको अल्ट्रा वाइड एंगल देखने को मिलता है। बात कर लीजिए यहाँ पर थर्ड कैमरा की, तो आपको 2 MP का देखने को मिलता है डेप्थ सेंसिंग के लिए। बाकी चीज़ों की यहाँ पर बात कर ली जाए तो आपका प्रो मोड भी देखने को मिल जाता है कैमरा के अंदर। सुपर स्लो मोशन भी देखने को मिल जाता है 480 FPS का, और साथ ही यहाँ पर आपको एंटी शेक नाइट मोड भी देखने को मिल जाता है कैमरा के अंदर, यानी कैमरा डिपार्टमेंट के अंदर भी कोई कमी नहीं करी गई है। बाकी यहाँ पर चीज़ों की बात कर ली जाए तो डुअल 4G भी देखने को मिलता है, डुअल बैंड वाईफाई भी देखने को मिलता है, ब्लूटूथ वर्जन 4.2 भी है, और आपका गेम टर्बो तो यहाँ पर देखने को मिलता ही है। बाकी आपका एसडी कार्ड स्लॉट भी है, 3.5 mm जैक भी देखने को मिलता है फ़ोन के अंदर। EMUI देखने को मिलती है अभी फिलहाल एंड्रॉयड 9 Pie के साथ, यानी अब तक आपका फ़ोन बहुत ज़्यादा बेहतरीन देखने को मिल जाता है, कोई भी कमी देखने को नहीं मिलती है। यहाँ पर पर्सनली दो कमी लगी है मुझे फ़ोन के अंदर। पहला ये कि अगर थोड़ी सी बैटरी यहाँ पर कम देखने को मिलती है कॉम्पिटिशन से, क्योंकि यहाँ पर आपको 3400 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, माइक्रो USB देखने को मिलता है, और फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट नहीं है। बाकी सेकंड चीज़ यहाँ पर मुझे लगी ये कि क्रिन 710 यहाँ पर देखने को मिलता है। हालांकि आपके प्रोसेसर में कोई कमी नहीं है, ऑनर 10X में देखने को मिलता था, ऑनर 10 Lite में देखने को मिलता था, आपको पता है किस तरह की बेहतरीन परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। पर कहना पड़ा कि फिर भी नया प्रोसेसर आने के बाद आपके पुराने लोगों को पसंद नहीं आते हैं। हालांकि आप कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपके लिए क्रिन 710 इनफ है कि नहीं है। इसके अलावा बात कर लीजिए वेरियंट्स की, तो पहला वेरियंट देखने को मिलता है 6 GB रैम और 64 GB इंटेल मेमोरी के साथ, जिसके अगर कन्वर्ट करके देखें चाइना के हिसाब से तो आपके लगभग 15-16 हज़ार के आसपास ही बैठती है, यानी बजट के अंदर। बाकी यहाँ पर आपका दूसरा वेरियंट देखने को मिलता है 4 GB रैम और 128 GB इंटेल मेमोरी के साथ, जिसकी सरप्राइजिंगली सेम प्राइस देखने को मिलता है पहले वाली की तरह ही। यानी यहाँ पर एक अच्छी चीज़ करी गई है, जिसको रैम ज़्यादा चाहिए वो 6/64 वाला ले सकता है, और जिसको इंटेल मेमोरी ज़्यादा चाहिए वो अगर 4/128 का ले सकता है। बाकी कमेंट्स में आप ज़रूर बताना आपको अगर पर्सनली चॉइस मिले तो कौन से वेरियंट की तरफ जाना चाहोगे। बाकी यहाँ पर बात कर जाए लॉन्च की, तब तक कोई फाइनल कन्फर्मेशन देखने को नहीं मिलती कब देखने को मिलेगा, पर हालांकि पहले आई सीरीज़ का स्मार्टफोन इंडिया में देखने को मिला है, तो उम्मीद यहाँ पर लगाई जा सकती है कि देखने को मिलेगा ये अलग स्मार्टफोन भी। बाकी आप कमेंट्स में ज़रूर बताना एक चीज़, आप Realme 3 Pro, Note 7 Pro ये सब स्मार्टफोन लेना चाहोगे, या फिर अगर 20i देखने को मिलता है इंडिया के अंदर जल्द ही तो आप उसे खरीदना चाहोगे। इसके अलावा कोई अपडेट निकल कर आते हैं आपको मिल ही जाएगी। इसका रिक्वेस्ट बस यहाँ पर एक छोटी सी लाइक जरूर कर देना, इससे बिना भूले। आपका लाइक करने से वीडियो बनाने की मेहनत सफल हो जाएगी। इसके अलावा बाकी वीडियो चैनल पर जाकर देखो, लाइक कर देना, नोटिफिकेशन बेल दबा दो। मिलता हूँ स्टूडियो में, टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड बाय बाय।